नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूँ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करके कैसे पहुंचा था गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश, बताएंगे विस्तार से। चंडीगढ़ में वीरवार को कोरोना के आए 16 नए मामले, शहर में कुल संक्रमित की हुई 523। गृह मंत्री का हाल जानने पहुंचे WWE रेसलर द ग्रेट खली। सिरसा से बड़ी खबर, कोरोना से हुई आज पहली मौत। पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में 56 वर्षीय महिला की मौत, चंडीगढ़ दाखिल थी महिला। पंजाब कैबिनेट ने लोगों को दिया झटका, जमीन का इंतकाल किया महंगा, दोगुनी हुई फीस। कोविड-19 के बीच चाइनीज टूरिस्ट के कांगड़ा पहुंचने पर मचा हड़कंप, पुलिस ने क्वारंटाइन सेंटर भेजा। प्रदेश में लगातार बारिश होने से तापमान में आई गिरावट, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा। अब खबरें विस्तार से। विकास दुबे को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने एक कार भी बरामद की है। यह कार विटारा ब्रीजा है। यह नंबर लखनऊ में मनोज यादव के नाम पंजीकृत है। विकास दुबे ने फरीदाबाद से मध्य प्रदेश तक सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया, फिर भी वह गिरफ्तार नहीं हो सका। ऐसे में सवाल है कि बिना गिरफ्तारी के गैंगस्टर इतने किलोमीटर का सफर कैसे कर पाया, किसने गैंगस्टर की मदद की थी। WWE के महान रेसलर ग्रेट खली वीरवार को अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज का हाल चाल जानने उनके निवास पर पहुंचे। खली ने बताया वह गृह मंत्री अनिल विज के जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देने आए हैं। देखो, अभी तो फिलहाल मैं उनसे उनके हाल चाल पूछने आया हूं, क्योंकि मैं कई दिनों से प्लान बना रहा था आने के, तो मैं चाहता था कि भी मतलब थोड़ा ठीक हो जाए तब जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके हाल चाल पूछने लोग आए हैं। सो इसलिए मैं थोड़ा टाइम होने दिया, मैं तो थोड़ा एक स्लो हो जाएगा, फिर जाऊँगा मैं आराम से। क्या कुछ नहीं, कुछ खेल नीति के बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, खेल नीति तो हमारी ऐसे ना कि मैं एकेडमी बना रहा हूँ करनाल हरियाणा में, और पूरे हरियाणा के लिए वो फ्री होएगी, फ्री भी कॉस्ट में वहाँ पर रेसलिंग सीख सकता है, और भी जो एक एमेच्योर रेसलिंग है वो कर सकता है, वॉलीबॉल है, जूडो है, मतलब ऐसी और भी बहुत सारी गेमें हैं जो वहाँ पर करेंगे। और जो आज आया हूँ मैं, आज तो सिर्फ एक मंत्री साहब को मिलने के लिए आया हूँ और उनकी एक गुड विशेष लेने के लिए आया हूँ और उनके हाल चाल पूछने के लिए आया हूँ कि भाई मतलब जैसे अनिल ब्रिज है, बहुत ही एक दमदार लीडर है, और मैं चाहूँगा कि भाई मतलब बस ऐसा ही अपना एक एक हरियाणा की सेवा करते रहे। सिरसा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिरसा में कोरोना से आज पहली मौत हुई है। बता दें कि 65 वर्षीय महिला किडनी की बीमारी से ग्रस्त थी। महिला ने हिसार अस्पताल में दम तोड़ा। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य के लोगों को झटका दिया है। राज्य कैबिनेट ने जमीन का इंतकाल महंगा कर दिया है। कैबिनेट ने जमीन इंतकाल की फीस दोगुनी कर दी है। राज्य में यह फीस 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है। इस फैसले से सरकार को लगभग 10 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। हिमाचल सरकार ने पर्यटकों के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं, लेकिन कुछ पर्यटकों का इसका गलत फायदा उठाकर पहुंच रहे हैं। बुधवार को एक दंपति दिल्ली से कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट के सहारे कांगड़ा जिले में प्रवेश कर गए। इतना ही नहीं, विदेशी टूरिस्ट भी अब प्रदेश में एंट्री करने लगे हैं। अब एक चाइनीज टूरिस्ट कांगड़ा पहुंच गया, इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस चाइनीज टूरिस्ट को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से बारिश होने के कारण तापमान में कमी आई है और ठंडक बढ़ गई है। शिमला और सोलन में जोरदार बारिश हुई है। विभाग की ओर से 10 जुलाई को भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए आज प्रकाश टीवी। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।